कांगड़ा संसदीय सीट पर हुए रिकॉर्ड मतदान पर सांसद शांता कुमार ने कहा कि जिस तरह से कांगड़ा संसदीय सीट पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है। वहीं एग्जिट पोल में नतीजों में एनडीए की जीत पर शांता कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से जो नतीजे बता रहे हैं और देश का वातावरण भी है उससे ये लगता है हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान हुआ है तो बाकी देश में भी हमारी जीत 2014 के मुकाबले अधिक होगी ऐसा लगता है। वहीं प्रदेश की चारों सीटों पर भी भाजपा विजय प्राप्त करेगी। मंडी शहर की सुंदरता को चार चांद लगाने वाले विक्टोरिया पुल की ट्रैफिक लाइट पिछले कुछ समय से खराब है। ट्रैफिक लाइट खराब होने की वजह से पुल से गुजरने वाले वाहन चालकों, यात्रियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी लाइट खराब होने के कारण बड़ी सावधानी से कार्य करना पड़ रहा है। ट्रैफिक लाइट की समस्या अब शहर में समाप्त हो जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि विक्टोरिया पुल की ट्रैफिक लाइट के बारे में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसे ठीक करने के लिए स्पेशल टेक्नीशियन को बुला लिया गया है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही लाइटें ठीक कर दी जाएंगी। सोलन पुलिस लगातार चिट्टा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। सोलन पुलिस ने अपने गुप्तचरों को जगह जगह तैनात किया है। थोड़ा सा भी क्लू मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई अमल में लाती है और नशे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। ऐसी ही घटना सोलन के बाईपास पर हुई जिसमें एक कार से करीबन 25.33 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। कार में तीन युवक सवार थे जिनमें से सख्त पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि कार में चिट्टा है। गौरतलब है कि अभी तक चिट्टे को बेचने वाले जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर युवा शामिल हैं। एएसपी शिव कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ की ओर से आ रही कार को जब पुलिस ने रोका तो उसमें बैठे तीन युवा बुरी तरह से घबरा गए। जब कार की तलाशी ली गई तो कार के डैशबोर्ड पर रखे गए कपड़े के नीचे से 25.33 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। तीनों युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों युवा अलग अलग जिला मंडी, किन्नौर और शिमला के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नूरपुर की ईशा देवी पत्नी स्वर्गीय जोगिंदर सिंह गांव घंडोट अति निर्धन परिवार से संबंध रखती है। मई 15, 2019 को ईशा देवी का छोटा बेटा केतन और उसकी दो बहनें काजल और शिल्पा देवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चरूड़ी में पढ़ते हैं। केतन की बहन काजल और शिल्पा ने बताया कि उसका भाई केतन बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल खेल रहा था। खेलते खेलते रोहित नाम का लड़का बेट और बॉल लेके साथ खेल रहा था जो कि बांस का डंडा था। केतन साइड में खड़ा हो गया और रोहित ने गुस्से में आकर केतन को डंडे से पिछले हिस्से पर मार दिया। केतन उसी समय नीचे गिर गया। स्कूल के बच्चों ने केतन को उठाया और पुली पर लिटाया। थोड़ी देर बाद स्कूल के अध्यापक अरुण स्कूल आए और केतन को उठाकर दफ्तर ले गए। उसमें हम दोनों बहनें अंदर थी और छोटी बहन शिल्पा बहुत रोने लगी। काजल ने बताया कि अध्यापक अरुण ने उसकी मम्मी का फोन नंबर लिया। केतन उसमें बहुत तड़फ रहा था। जब इस बारे में स्कूल के अध्यापक अरुण पठानिया, नरेश अध्यापिका और पूनम मैडम से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब वे स्कूल आए तो स्कूल के बच्चे भागते हुए आए और कहा कि बच्चा गिर गया है। जब पूछा कि कैसे गिरा तो बच्चों ने बताया कि भागते हुए नीचे गिर गया है और बेहोश हो गया है। जब रोहित से बात की गई तो पहले तो रोहित टाल मटोल करता रहा और बात छुपाता रहा, पर बाद में रोहित से बात की तो रोहित ने बताया कि वह बैट बॉल खेल रहा था और केतन भाग रहा था। केतन को बोला कि भागना मत, तुझे लग जाएगी, लेकिन केतन आगे भागता रहा। जब इस बारे में डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा से बात की है तो उन्होंने बताया कि मृतक की माँ की शिकायत पर मेडिकल रिपोर्ट की दोबारा जाँच करने के आदेश दिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर चोटों से घाव हुआ है। इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।